नमस्कार, मैं हूँ आप सभी का वेलेंद्र बंसल एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर बीएम स्टूडेंट एट जीएस पटियाला। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। सो गाइस, बहुत सारे ना लोगों के कमेंट आ रहे थे कि यार कॉलेज में तू बताओ, कॉलेज के अंदर ना क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्लासेज वगैरह हैं, कैसा कैंपस है, उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे तो मैंने ना इस वीडियो के 5 पार्ट्स बनाने हैं, जैसे कि अपना कॉलेज का टूर फर्स्ट ईयर का, उसका सेकंड ईयर का, फिर क्योंकि यार अभी मुझे जो है ना फर्स्ट ईयर की क्लासेस ज़्यादा पता है, सेकंड ईयर की क्लासेस जो जब मैं सेकंड प्रोफेसर हो जाऊँगा तब फिर से बना देंगे। बाकी हॉस्टल का एक बनाना है, फार्मेसी का और अपना हॉस्पिटल का भी बनाएंगे, आप सभी को टूर देंगे। लेकिन आज जो है आज हम आपको कॉलेज का टूर दे रहे हैं, तो चलो चले। गाइस, लाइक ये जो है हमारा गेट है, एंट्रेंस आती है और एंट्रेंस से सीधा जो है अगर हम उधर की ओर जाएँ ना तो उधर है हमारी पार्किंग और साथ ही जो है हमारा बॉयज़ हॉस्टल। अगर हम इधर देखें तो ये जो है हमारी मेन बिल्डिंग है, अंदर आपको बाद में दिखाते हैं। लेकिन उसके बाद जो है अगर आप इधर देखो तो इधर जो है हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल के साथ ही जो है यहाँ पर हमारा बोटैनिकल गार्डन है। बोटैनिकल गार्डन में काफ़ी सारी जैसे है ना मतलब कि द्रव्य गुण की मेडिसिन वगैरह प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, बहुत सारा कुछ है, वो जो है हमें सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। उसके साथ ही हमारी इधर जो है क्लासेज आ जाती हैं, उधर आपको लेकर चलते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा जैसे कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे आते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा ध्वजारोहण होता है, उसके बारे में आपको कभी ना कभी ब्लॉग्स के अंदर दिखाएंगे ज़रूर। तो आपको अब बिल्डिंग के अंदर लेकर चलते हैं, तो चलो चलो। उसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन आपको इधर लेकर चलते हैं, इसलिए हमारी क्लासेज आती हैं। और साथ ही जो है अगर आप हम इधर जाएं तो इधर जो है फर्स्ट फ्लोर आ जाता है, वो उधर आपको बाद में लेकर चलेंगे। तो पहले आपको जो है क्लासेज दिखाएँ। तो लाइक जैसे इधर मैंने आपको फिर से बताया था कि यहाँ पर अपने प्लांट्स वगैरह अगर हम इधर चलते जाएँ तो इधर हमारी क्लासेज आ जाती हैं। जैसे ये देखो, ये जो है हमारी फोर्थ ईयर की क्लास है। इधर जो है हमारी थर्ड ईयर की क्लास है। निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ये जो है हमारी सेकंड ईयर की क्लास है और फाइनली ये जो है हमारी फर्स्ट ईयर की क्लास है। सो लाइक ये जो है हमारी क्लास है, यहाँ पर जो है हम बैठते हैं, ये जो है मेरा बेंच है, यहाँ पर मैं बैठता हूँ। तो बाकी जो है मैंने बाद में रिकॉर्ड किया क्योंकि तब जो है बच्चे थोड़ा शोर मचा रहे थे, तो मैं जल्दी जल्दी बता दूँ। वैसे तो हमारी क्लासेज जो हैं थोड़ी छोटी रहती हैं क्योंकि जो आयुर्वेदा के अंदर खास करके पंजाब के अंदर जो है थोड़ी सीट्स कम हैं, और वैसे हमारी क्लासेज जो हैं वो वेंटिलेशन में बहुत अच्छी रहती हैं। पीछे जो है जैसे फिर से बोटैनिकल गार्डन है हमारे पास, एंड अगर आप इधर की ओर देखो जहाँ पर हमारे टीचर पढ़ाते हैं तो यहाँ पर पीछे वाइट बोर्ड है, डाइस वगैरह है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? चल आ जैसा। तो अभी हम वहीं खड़े थे ना, तो वहां से आकर अगर हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जो है हमारी क्लास का प्रॉपर डोर मिलता है। और अगर आप इधर देखो तो इधर जो है हमारी, अगर आप इधर देखो तो इधर हमारा गर्ल्स हॉस्टल भी है, साथ ही में जो है यहाँ पर पार्किंग होती है। आज काफ़ी बच्चे कम आए क्योंकि एक्चुअली ना सेकेंड और थर्ड ईयर के पेपर चल रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर भरा पड़ा होता है। इधर से आके जो है सीधा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हमारे बॉयज़ हॉस्टल का आ जाता है।
बॉयज़ हॉस्टल का दो दरवाजे हैं, एक यहाँ से भी आता है और एक उधर से भी आता है। बाकी आपको बॉयज़ हॉस्टल जो है, बाकी आपको जो बॉयज़ हॉस्टल है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, तो आपको आगे लेकर चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो है हमारा डाइसेक्शन हॉल है। डाइसेक्शन हॉल से पहले यहाँ पर दो जो है हमारी डी फार्मा की क्लासेस हैं। डी फार्मा की क्लासेस से पहले उसके बाद जो हमारा एक एनाटॉमी म्यूजियम आता है। सो ये जो है हमारा एनाटॉमी का म्यूजियम है। अगर आप देखो तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जो है मॉडल्स पड़े हुए हैं, एंड साथ ही जो है हमारे यहाँ पर धन्वंतरी देवता की मूर्ति पड़ी हुई है। उसके अलावा ऊपर बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर्स हैं जहाँ पर जो है हमें डाइसेक्शन के बारे में या फिर कह सकते हैं एनाटॉमी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है पता लगती हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमारी बोन्स भी पड़ी हैं, जिससे हम अपनी साइड डिटर्मिनेशन वगैरह बाकी सभी चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ पर क्लासेस लगती हैं, यहाँ पर हमारा कैडेवर पड़ा है, एंड बाकी चलो आपको डाइसेक्शन हॉल में फिर से लेकर चलते हैं। सो गाइस, ये जो है हमारा डाइसेक्शन हॉल है, काफ़ी सारे मेरे दोस्त बैठे हैं। वैसे मैं आपको आगे नहीं लेके जाऊंगा, रीज़न है कि मैं इसको जो है ये चैनल को एक फैमिली चैनल बना रहा हूँ ना, तो आई डोंट लाइक कि यार आपको कैडेवर दिखाऊं, एक्चुअल जो डेड बॉडी है वो दिखाऊं। जो एक्चुअल स्टूडेंट्स होंगे वो अपने कॉलेज में देख ही लेंगे ये बॉडीज वगैरह, बाकी जो डेडिकेटेड चैनल्स होते हैं बॉडी के वो चल जाते हैं, लेकिन यू नो मैं नहीं दिखा सकता है क्योंकि ये एक फैमिली चैनल है। इसलिए बाकी आपको डाइसेक्शन की अगर वीडियो देखनी हो ना, तो डाइसेक्शन के लिए एक स्पेशल व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे चैनल का बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको पता लग जाए जब मैं डाइसेक्शन का स्पेशली एक व्लॉग बनाऊंगा, उसके अंदर शायद मैं आपको दिखा भी दूं। ठीक है, तो आपको आगे लेकर चलते हैं। सो गाइस, अब जो है हम आपको ऊपर लेकर जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो फर्स्ट फ्लोर पर हमारी एक्चुअली संस्कृत की क्लास लग रही है। वहाँ पर जो है ना एक्चुअली हमारा जो चरक लैब है, जो इतना तंग करते हैं, ये अपना मेन गेट है। मेन गेट से सीधा इधर ऑफिस को जाता है और इधर हमारा कॉरिडोर जाता है। मुझे बोलने दे दो, नहीं। चल ठीक है, आज ब्लॉग प्रीति बना रही आ रह गया क्या रहने। सो गाइस, यहाँ से भी दो डोर जाते हैं, एक जो है डायरेक्टली इधर जा रहा है। इधर सभी टीचर्स के रूम्स हैं। उसके अलावा एक चरक म्यूजियम है जिसके अंदर हमारी रेगुलर क्लासेस लगती हैं, मतलब यही दिखाएंगे पत्ते खेल रहे हैं। ये हंस रहे हलकट हंस। सो गाइस, ये जो है हमारी चरक लैब है। आपने वैसे तो बहुत सारे, मतलब मेरा एक ब्लॉग है जिसके अंदर मैंने चरक लैब पहले भी दिखाई है। अगर आपने मेरे ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के एंड में जो है एक ब्लॉग की प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसको देखना आपको बहुत एंजॉय होगा। बाकी आपको इस वीडियो में मैं फिर से एक बार चरक लैब दिखाई देता हूँ। ये देखो हमारे पास ना काफ़ी सारे जैसे मॉडल्स बने हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे पोस्टर्स एंड वो टेम्पलेट्स वगैरह लगे हैं। उधर हमारे महर्षि भागवत जी की जो पेंटिंग है, साथ ही में इधर धन्वंतरी भगवान जी की पेंटिंग है, एंड इधर जो है हमारी अष्टांग की, चरक की और काफ़ी सारी जैसे कि संस्कृत की भी क्लासेस लगती हैं, और साथ ही में जो है समिता अध्ययन की भी क्लासेस लगती हैं। सो आई होप आपको चरक लैब पसंद आई होगी। तो अब जो है आपको आगे लेके चलते हैं। अब जैसे ये कॉरिडोर है ना, कॉरिडोर से इधर जाते हैं तो ऊपर की पौड़ियाँ जाती हैं।
तो ऊपर जाकर जो है ना हमारी जैसे लाइब्रेरी है, साथ ही में हमारा एग्जामिनेशन हॉल है, ये हमारे एनाटॉमी वाले सर का रूम है, इधर देखो इधर लाइब्रेरी है, साथ ही में इधर जो एग्जामिनेशन हॉल है। सो गाइस ये जो है हमारा ऊपर का कॉरिडोर है, एंड अगर हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन हॉल है, साथ ही में यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी बहुत सारी होती हैं। आज शिरति की प्रेजेंटेशन है। तो ये एक छोटी सी पुरानी वीडियो पड़ी थी, तो मैंने सोचा ये भी डाल देते हैं फिजियोलॉजी लैब की, जहाँ पर आपको टेबल थोड़े नीचे दिखेंगे तो देख सकते हो आप। हाँ जी, सो गाइस ये जो है हमारी फिजियोलॉजी लैब है, हालांकि ये बंद पड़ी है, स्पेशल आपके लिए वीडियो बनानी थी तो मैंने मैम से चाबी ली और खोल दी। वैसे तो यहाँ पर टेबल ऊपर पड़े हैं जो कि नीचे रख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास माइक्रोस्कोप्स हैं, बाकी काफ़ी सारे प्रैक्टिकल जो है हम यहाँ पर बैठ कर करते हैं, एक दो जैसे कि ब्लड कलेक्शन हो गया है, बाकी कई सारी चीज़ें उसकी मैंने वीडियोस और रील्स जो है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी डाली हुई हैं, अगर आप वो देखना चाहते हो या फिर आप मेरी रील्स इंजॉय करना चाहते हो उसके लिए जो है मैं अपना पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूँगा, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लेना, एंड आपको बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलेंगी, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है मैं अपने डेली लाइफ के रूटीन के हिसाब से जो उसके ऊपर पोस्ट करता रहता हूँ, आप वो भी देख सकते हो। बाकी कुछ खास नहीं है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी लैब के अंदर होता है वो सब चीज़ें हैं। हमारे पास यहाँ पर पानी है जो चलता नहीं है मेरे ख्याल से, बाकी तो आई थिंक क्या ही दिखाऊँ मैं। यहाँ पर है हमारे पास पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये हमारा हाइट मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, बाकी इसके रिलेटेड ना मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो फिजियोलॉजी का मॉडल है, उसके बारे में भी मैं अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो ज़रूर डालूँगा, अगर आपने वो भी देखनी हो तो अगेन सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा जो है, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। उसके अलावा आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको फिर से मैसेज आता रहे। तो दोस्तों आपको ये कॉलेज का टूर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओ, बाकी मेरे ख्याल से मैंने अपनी ओर से सारे कुछ दिखा ही दिया है, हालांकि आपने देखा होगा कि जैसे कि चरक लैब की बहुत सारी अलग अलग क्लिप्स डाली है ना मैंने, तो वो जो है ना गर्मियों की छुट्टियों से बिल्कुल एक दिन पहले की हैं। मुझे आज भी याद है कि ना मैं गर्मियों की छुट्टियों से पहले भी ये वीडियो बनाना चाह रहा था, मतलब इतनी पहले से जब से मैं इस कॉलेज के अंदर आया हूँ उसके 3 महीने बाद से जो है मैंने कोशिश जारी रखी थी कि मैं कॉलेज का टूर बनाऊँ, लेकिन यार बस बना नहीं पाया, ऐसे ही बस थोड़ा मतलब कि कोई कारण नहीं था, सच में कोई कारण नहीं था, बस लेजीनेस कह सकते हो, अब कह सकते हो कि यार काम करते रहे अलग अलग उसको चलो बातों छोड़ो, लेकिन है मैंने कम से कम जो है चार बारी सोच सकते हो, 4 बारी ना मैंने ये वीडियो शूट की है लेकिन पूरी कभी नहीं हो पाई। इस बारी फाइनली आप सभी की मोटिवेशन से, आप सभी के प्यार से, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा ना, मैं पहले भी इस वीडियो में शुरुआत में भी कह चुका अब भी कह रहा हूँ, आपने बहुत लोगों ने कहा कि सर कॉलेज का टूर दो, लेकिन अभी तक तो जूनियर्स ने कहा है। मैं चाहता हूँ कि यार इस चैनल का सारे ऑल ओवर इंडिया भेजो यार, ऑल ओवर भारत भेजो, ताकि हम केवल अपना स्टडीज के रिलेटेड ना बात करें, हम आयुर्वेदा के भी रिलेटेड बात करें, हम बहुत सारा कुछ बात करना चाहते हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें सिखाना चाहते हैं, खास करके आपको बहुत ही एक अच्छा एंटरटेनिंग जो वीडियोस है वो देना चाहता हूँ मैं,
उसके लिए आपकी सभी की हेल्प चाहिए मुझे। आप सभी जो है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट्स लिख के बताओ जरूर कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, कोई दिक्कत है, कुछ अच्छा लगे, कुछ बुरा लगे, सब बताओ यार। खाली खाली सा कमेंट बॉक्स अच्छा लग रहा तो भरो यार। आप सभी प्यारी और अच्छी ऑडियंस हो, आयुर्वेदा को प्यार करने वाली ऑडियंस हो, तो यार ये भी काम कर ही दो, कमेंट्स बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें भरो, बताओ मुझे कैसी लगी ये वीडियोस। तो बाकी सब कुछ आपको बताइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, बाकी सब कुछ कर देना यार, आप सभी अच्छी ऑडियंस हो। तो आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।